हाय, गुड मॉर्निंग समीर जी, मॉर्निंग आपका आशीष सवाल। जी। गुड मॉर्निंग राजेश जी। हाय सर, मेरे पास सर 3000 भेल के शेयर है, एट द रेट ऑफ 88 मैंने लिया था। तो अभी क्या करे, थोड़ा सा ये है, अभी 300+ जाके आया और अभी इट इज गोइंग डाउन। तो तो बेसिकली मुनाफा बांधने का समय है या होल्ड करूं, उम्मीद है कि वापस अपने हाँ, प्रीवियस हाइज की तरफ नहीं, जाएगा। हाँ, होल्ड करने का भी कर सकता हूँ कुछ। ये ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था मैंने, हाँ, और CNBC आवाज का कभी रिकमेंडेशन था, तभी गावा साहब ने भी बोला था कि 110 तक जाएगा, तभी ये करके लिया था मैंने। तो अभी तो 110 के टारगेट के लिए लिया था आपने, आज तो आपको 270 दिख रहे हैं, राइट राइट बढ़िया है, राइट आपने होल्ड कर लिया। राइट अच्छा, राइट इसमें सतपुर साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात से भी होगा कि आज HSBC की पावर सेक्टर पे एक रिपोर्ट थी, वो पता है रिड्यूस का कॉल और BHEL का लक्ष्य बोल रहे हैं 72 का, 72 का, वो तो ठहराने वाली नहीं। बात हो गई। लेकिन अभी जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया लेवल से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए मुनाफा बांधने का समय आ गया है क्या? क्या करूं BHEL पे? सर को ₹180 प्लस का पर शेयर गेन हो रहा है। देखिए आशीष जी, नहीं, ये तो नहीं होगा, मुझे चार्ट पे लगता ही नहीं है ये 72-72 आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, उनका रिसर्च है, फंडामेंटल व्यू है। उसको हाँ सलाह। लेकिन मुझे लगता है चार्टिकली आशीष जी, कोई चीज अगर जैसे कि भेल की बात करें, तो भेल अगर 50-55-70 ये जो लेवल था, उसके बाद ये चला करीबन 300-350 तक, देखो कहीं ना कहीं तो ये करेक्ट होगा ना। अगर यहाँ पे करेक्शन में कहीं लॉन्ग एंट्री अपॉर्चुनिटी तो सब लोग ढूंढते रहेंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से पोजिशनली BHEL में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हालांकि मुझे लगता है 250 तक का एक फॉल अभी भी ड्यू है, और 250 के बाद मुझे लगता है फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो क्योंकि आपने इतना पेन देखा है, 320-330 के लेवल से 270 देखा है, 50 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए, 15-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है, तो मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग आप इसमें बने रहे, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। मुझे इन पर्टिकुलर लगता है भेल परफॉर्म करेगा, इवेंचुअली इसका टारगेट 450+ का होना चाहिए, प्रोबेबली उसके लिए 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक दिस इज अ होल्ड फॉर मी। रादर मैं कहूंगा अगर 250 का लेवल आता है तो फ्रेश एंट्री करे, या किसी को और एंट्री करना है तो वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा होगा, वो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगा 250 का।